वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल व्लॉग चित्रा में आपका फिर से एक वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आ गए हैं धमतरी में। छत्तीसगढ़ ट्रैक्टर स्वराज का डीलरशिप भी है और साथ ही सेकंड हैंड ट्रैक्टर बहुत सारे दिखाने वाले हैं। हो सके दो वीडियो या फिर एक ही वीडियो में पूरा कैप्चर करने का कोशिश करेंगे, तो पूरा एंड तक देखना। और यहाँ आपको कम से कम बजट में, जिन किसानों के पास आर्थिक स्थिति कम मतलब पैसा नहीं रहता है, वो कम से कम बजट में यहाँ ट्रैक्टर्स ले सकते हैं। 2 लाख से ऊपर का भी है, उससे नीचे का भी प्राइस है। तो पूरा एंड तक देखना और चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और आप हमें इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी नंबर है 1234 5। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम आए हैं यहाँ पे स्वराज है, छत्तीसगढ़ ट्रैक्टर्स करके है, ये है धमतरी से रायपुर रोड में। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम लोमस कुमार साहू। लोमस कुमार साहू। अच्छा, और ये यहाँ कब से काम कर रहे हैं आप? यहाँ 5 साल से काम 5 साल से काम कर रहे हैं। और ये एड्रेस और लैंडमार्क बता दीजिए, जैसे किसी को आना होगा तो। स्वराज ट्रैक्टर रायपुर रोड, हाँ, बठेना चौक धमतरी। अच्छा, बठेना चौक धमतरी। अच्छा, और यहाँ कब तक आते रहते हैं स्टॉक? सेकंड हैंड स्टॉक ऐसे आते रहते हैं सीजन के हिसाब से। सीजन के हिसाब से आ रहा। और स्टार्टिंग प्राइस क्या है इसका? स्टार्टिंग प्राइस है 1.60 से चालू, 1,60,000 से। उसमें नांगर वगैरह भी एक साथ कंप्लीट देते हैं कि अलग से? उसका अलग से देते हैं, अलग से। और यहाँ फाइनेंस की सुविधा है? फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। न्यू स्वराज में न्यू का भी डीलरशिप भी है? हाँ, न्यू ट्रैक्टर का भी। अच्छा, न्यू ट्रैक्टर भी ले सकते हैं और सेकंड हैंड में भी फाइनेंस हो जाएगा? पूरा ऑल इंडिया में फाइनेंस हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ के लिए? छत्तीसगढ़ के लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन। ये महिंद्रा का B275DI, ये कौन सी मॉडल है? ये 2019 मॉडल है। 2019 का मॉडल है। ये कितने HP में आता होगा? ये 39 HP। और ये कितने सिलेंडर के साथ आता होगा? ये 3 सिलेंडर के साथ। 3 सिलेंडर के साथ। इसका इंजन कैपेसिटी कितना होगा? सीसी पावर इसका पता नहीं। अच्छा, उतना पता नहीं एग्जैक्ट। मैं बताऊं तो ये 2000 से ऊपर ही रहता है, 2500 के आसपास रहता है। और ये कितना चला होगा, कितना हावर चला होगा? ये 1100 घंटा चला हुआ। अच्छा, और इसका बाकी टायर्स वगैरह कोई चेंज करना नहीं पड़ेगा? नहीं करना। फूड वगैरह पूरा कंप्लीट आप देख सकते हैं, ओरिजिनल कलर्स में है ना, कोई अलग से कलर्स तो नहीं हुए। यहाँ तक बम्पर वम्पर पूरा ओरिजिनल लगा हुआ है। यहाँ कोई बॉडी में एक पेंट भी नहीं लगा हुआ अलग से, भूमिपुत्र का है इको करके। और यहाँ जो महिंद्रा का सीट कवर्स लग के आता है वही लगा है। और इसका प्राइस क्या फिक्स किया अभी आप? प्राइस इसका 4.25 लाख। 4.25 लाख आने के बाद कम ज़्यादा होगा? हो जाएगा, कम ज़्यादा हो जाएगा। बाकी टायर्स तो आपको नए लगे हुए हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखते हैं अपन जॉन्डियर का, ये है 5036D। इसमें भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा है ये सामने का स्क्रैच कर, बम्पर वम्पर जो कलर है ये स्क्रैच थोड़ा बहुत डाउन है। बाकी अगर कोई भी जॉन्डियर का ट्रैक्टर्स लेना चाहता है, जो सबसे ज़्यादा किसान के लिए अभी तक जो पसंद करते हैं जॉन्डियर का ट्रैक्टर, एक आता है 5310 करके जो ज़्यादा सेलिंग होता है वो। इसका क्या है भैया, ये कौन सी मॉडल? ये 2019 मॉडल है। 2019 का ये भी है, महिंद्रा का भी 2019 था, ये भी 2000। ये कितने HP में आता होगा? ये 36 HP के आसपास। 36 HP के आसपास। इसमें कितने सिलेंडर में आता है? ये 3 सिलेंडर। 3 सिलेंडर में आता है। पावर स्टेयरिंग में? पावर स्टेयरिंग है, देख सकते हैं। इसमें भी कोई टचअप नहीं हुआ है। साथ ही ये देखिए ये ऑयल फिल्टर का इसमें रिफ्रेश लिखा हुआ है। और इधर देख सकते हैं टायर्स वगैरह कोई चेंज नहीं, अभी तो पीछे का पूरा चलेगा ही। सीट कवर हुड सभी कंप्लीट लगा हुआ है यहाँ तक। और इसका प्राइस क्या फिक्स किया? इसका प्राइस 4.5 लाख। 4.5 लाख। और यहाँ इसका पासिंग कहाँ का होगा? ये पासिंग का भी उतना नॉलेज है, पासिंग के लिए आप पूछ सकते हैं कॉल करके। और ये कितना चला होगा? ये यही 700-800 घंटा। 700-800 घंटा चला हुआ ओनली। प्राइस आपने बताया 4,50,000, नेगोशिएबल आने के बाद हो जाएगा ना?
इसके बाद देखते हैं स्वराज का, ये कौन सी मॉडल है? ये 2013 मॉडल है, 13 मॉडल ही है, स्वराज 843XM। टायर्स वगैरह अभी चलेंगे, ये वाला टायर्स लगा दिया जाएगा ना। ये कितने एचपी मारता है? 42 से 45 एचपी के श्रेणी में आता है। कितना चलाओगे ये? 2500 के आसपास। अच्छा, बाकी कंडीशन ओके है? कोई खर्चा? खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं, पूरा रेडी करके दिया जाएगा, दिया जाएगा। और सेकंड हैंड में जैसे कम बजट के ट्रैक्टर्स रहते हैं उसमें फाइनेंस होता है कि? फाइनेंस की एक रेट रहता है 2.5 लाख, उसमें फाइनेंस होता है कि सभी फाइनेंस है, लेकिन हाँ, नकदी का ज़्यादा प्रयास करते हैं। नकदी का ज़्यादा प्रयास रहता है, जैसे किसान यहीं के हैं उनको लोकल फ़ायदा मिलता है ना। ये पासिंग का इसका भी नहीं पता आपको? ये पासिंग धमतरी, पासिंग धमतरी है, CG05। इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस 270 है। 2,70,000। मॉडल क्या बताए? 13 मॉडल, 13 का मॉडल है। इसके बाद अपन देखने वाले हैं स्वराज 834XM। ये कौन सी मॉडल है? ये 2016 मॉडल है, 2016 का मॉडल है। कितने एचपी में आता है ये? 35 एचपी में आता है। 35 है। इसमें कोई कलर वलर तो नहीं हुआ? नहीं। ओनर तो फर्स्ट ही होंगे? यहाँ सभी बैंक से खींचे रहते हैं क्या ट्रैक्टर? एक्सचेंज भी रहता है, बैंक से खींचे, वो बैंक से खींचे भी रहते हैं, एक्सचेंज भी रहता है। ये कितने एचपी में आता है? ये 35 एचपी में आता है। 35 एचपी। कितना चला होगा ये? ये 900 घंटा चला है। 900 घंटा चला हुआ है। अच्छा, और बाकी टायर्स वगैरह तो पूरे चलेंगे, कलर्स वगैरह? कितने सिलेंडर के साथ आता है? 3 सिलेंडर में आता है ये भी। और इसका इंजन कैपेसिटी तो लगभग 2,500 के आसपास होगा, 2500 के आसपास है ना। इसका प्राइस क्या डिसाइड किया? इसका 3,50,000। इसमें भी नेगोशिएबल आने के बाद इसका बाकी पूरा ओके है। और नांगर के एसवील आपके पास सेकंड हैंड मिलता है? मिलता है, मिल जाता है। ट्रॉली वगैरह मिल जाता है? मिल जाता है ना। इसके बाद देखेंगे जोंडियर का 5045D, ये CG04। ये तो रायपुर पासिंग में है। ये कौन सा मॉडल है? ये 2014 मॉडल, 2014 का मॉडल है। और कितने एचपी में आता होगा ये? 45। कितने सिलेंडर? 3 सिलेंडर। 3 सिलेंडर। पावर स्टीयरिंग है ये भी? पावर स्टीयरिंग। टायर्स वगैरह सामने का थोड़ा डाउन हो गया है, चेंज करना पड़ सकता है, अगर आप कलर वलर करा सकते हैं लेने के बाद। सामने का बम्पर लगा हुआ है पूरा। और इसका पासिंग तो रायपुर बताया, ये मैक्सिमम कितना चला हुआ है देख लीजिए कितना चला है। तो बाकी देख सकते हैं शानदार सेगमेंट के साथ, आप अपने सेगमेंट के अंदर जो भी ट्रैक्टर्स लेना चाहे मिल जाएगा यहाँ। 1500 घंटे। प्राइस क्या डिसाइड किया? प्राइस इसका 3,50,000। अच्छा, आने के बाद बैठक में कम ज़्यादा होगा? ही हो जाएगा ना। इसके बाद देखते हैं महिंद्रा का 575D, ये कौन सी मॉडल है? ये 2015 मॉडल, 2015 मॉडल है। DLX हाईटेक के साथ आता है ये। पासिंग CG24 बालोद पासिंग 15 मॉडल। कितने एचपी में आता है? 575। 45 एचपी फिक्स एकदम। अच्छा है, बाकी ये सीट कवर स्वराज के लगा है क्या? अभी वो कवर लगा। अच्छा, कवर स्वराज के लगा हुआ है, बाकी ओरिजिनल है। और इसका मॉडल क्या बता? 15। कितना चला होगा ये? देख सकते हैं, देख लो। बाकी देख सकते हैं, मैंने आपको महिंद्रा का दिखा दिया, जोंडियर है, स्वराज का 843XM है, 834XM है, और इधर आपको जोंडियर 5045D देख लिया। अब ये है महिंद्रा 575, ये आप भूमि पुत्र में 3000 चल गया। प्राइस क्या रखे? प्राइस इसका 3 लाख फिक्स। कम ज़्यादा है आने के बाद? आने के बाद हो जाएगा ना। इसके बाद और कौन कौन सा ट्रैक्टर है? और न्यू आयलैंड है, मिसी है, आर्चर है। अभी अंदर और है आपके पास? अंदर है ना। तो चलो देखते हैं उधर का ट्रैक्टर। ये स्वराज का 735 FE, ये स्वराज का सबसे ज़्यादा पसंदीदा किया जाने वाला ट्रैक्टर है, जो कम अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्वराज में सेलिंग होता है, सेकेंड हो या न्यू में हो। तो इसका मॉडल बताएंगे भी आप? ये 2019 मॉडल, 2019 मॉडल है। कितने HP में आता है ये? 39 HP में आता है। कितना चला होगा ये? बाकी न्यू में है पूरा, कहीं से कलर वर नहीं हुआ है, टायर्स वगैरह सब। कितना चला है? 511 घंटे है ना। और इसका प्राइस क्या फिक्स किया? 4,500। ये कितने सिलेंडर में आता है? 3 सिलेंडर।
बाकी कुछ टचअप वचअप पासिंग कहाँ, यही CG05 धमतरी का पासिंग है। इसके बाद देखते हैं एसर का 368, ये आपको CG07 दुर्गा का पासिंग मिलेगा। और बाकी सामने का लुक देखें या फिर आइसर का ट्रैक्टर बहुत पसंद करते हैं, ये भी बोले तो सभी ट्रैक्टर्स को पसंद करते हैं यहाँ, वो महिंद्रा हो या फिर आइसर हो, स्वराज हो, सभी का अपना अपना एक मार्केट पकड़ चुका है। तो इसका स्टार्ट करते हैं, यह 368 का, ये कौन सी मॉडल? ये 2013 मॉडल, 2013 का मॉडल है। ये कितने HP के साथ आता है? ये 35 HP का, 35 HP का ट्रैक्टर है। और कितना चला होगा देख सकते हैं कितना चला है इसका। आइसर का हो या कोई भी ट्रैक्टर हो, आपको कम से कम बजट में चाहिए होगा तो और भी मेरे वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं। पर ये 7000 घंटे चल चुके हैं। मॉडल क्या बताया? 13 मॉडल है। प्राइस क्या रखे हैं? प्राइस इसका 260,000। 260,000 आने के बाद कम ज़्यादा है? अच्छा, अलग से नॉन ट्रांसफर का अलग से लगता है, इंक्लूड नहीं है, बैठने पर जो भी है डिसाइड होगा। इसके बाद देखते हैं, ये है महिंद्रा का 475 DI, ये है भूमिपुत्र DLX, थोड़ा बहुत कलर हो गया है ना, थोड़ा टचअप हो चुका है इसका। मॉडल भी ओल्ड होगा, भी टायर्स वगैरह घिस गया, पीछे का टायर तो सही है। 2012 मॉडल है, थोड़ा चल चुका होगा। कितना चला होगा ये देख लीजिए कि बहुत चल गया होगा ये, बाकी टचअप वचअप तो हो गया है। हाँ, 3000 बस? 3000। अच्छा, 3000 घंटा। पासिंग धमतरी है, कितने HP माता है? 42। और ये बहुत डिमांड रहता है 475 का भूमिपुत्र का, ये बहुत सेलिंग होता है। मैंने जितने भी जगह गया वहाँ इसका सेलिंग बहुत ज़्यादा होता है और बहुत लोगों ने लिया भी है वीडियो देख कर। और इसका प्राइस क्या फिक्स किया? इसका 2.5 लाख। 2.5 लाख है, आने के बाद कम ज़्यादा है ना इसमें भी? अच्छा, इसके बाद अपन मैशी का देखेंगे, ये मैशी फर्ग्यूसन 241 DI, ये कौन सी मॉडल है? 2013 मॉडल। इसमें थोड़ा बहुत स्क्रैच हो गया ऊपर में और बाकी सामने का बोलो तो कुछ नहीं हुआ है इसमें, ये थोड़ा फैड हो चुका है। तो स्टिकर्स रहते हैं, प्लेनेटरी ड्राइव करके आता है। ये कितने सिलेंडर में होगा? ये 3 सिलेंडर। 3 सिलेंडर में, कितने HP में? 42 HP में। इसका सर फ्यूल टैंक भी 47 लीटर का आता है, ना लंबे समय तक चल सकता है ये डीजल इंजन के लिए। और ये बाकी टैफी इसका क्या चीज़ भी है? साइड शिफ्ट गियर। अच्छा, साइड शिफ्ट गियर है। और इसका प्राइस क्या रखें? इसका प्राइस 250। 2,50,000। फूट वगैरह लगा दिया जाएगा इसमें? दिया जाएगा। टायर्स वगैरह तो सब सही हैं, जैसे महिंद्रा का दिखाया, सामने का फैड हो चुका है, इसको चेंज कराना पड़ेगा। इसके बाद कौन सा है? स्वराज और सोनाली का देखेंगे। अब देखते हैं स्वराज का 735 FE, ये तो ऊंची मॉडल होगी भैया। ये 19 का है, 19 का मॉडल है। ये कितने HP में आता है? ये 39 HP। 39 HP। सिलेंडर तो तीन बताए थे आपने, है ना? जैसे कि मैंने बताया था, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है। स्वराज का सबसे ज़्यादा सेलिंग होने वाला और कम बजट में मिलने वाला ट्रैक्टर है ये। आप बताएंगे कितना चला होगा? बाकी LED लाइट्स हो गया, फिर कुछ भी 700 घंटे चल चुका है। प्राइस क्या रखें इसका? प्राइस इसका 450,000। 450,000। टायर्स देखें या पीछे के टायर्स देखें, इसके टायर्स पीछे के साइज अलग आता है, 13-6-28 का टायर्स आता है और सामने का रहता है इसमें 6-6-16 का रहता है ना। बाकी इसका प्राइस बताया आपने? 450। इसके बाद देखने वाले हैं वो न्यू हॉलैंड है शायद, है ना? कौन से मॉडल है भैया? 2015 मॉडल। कितने HP में आता है? 40 HP। 40 HP में रहता है। कितना चला गया होगा? घंटा नहीं। अच्छा, घंटा नहीं पता, तो आप कॉल कर लेना। उसका प्राइस क्या रखें? उसका प्राइस 290। 2,90,000। आने के बाद नेगोशिएबल है उसमें भी? हो जाएगा ना। पासिंग क्या होगा उसका? पासिंग ये धमतरी CG05 धमतरी। और अभी ट्रैक्टर है पीछे आपके पास? है ना, चलो वो ट्रैक्टर देखते थे। ये देखेंगे स्वराज का 843 XM, ये कौन से मॉडल में भैया? 2019 मॉडल। कितने सिलेंडर के साथ आता होगा ये? 4 सिलेंडर में आता है। 4 सिलेंडर में। पावर स्टेयरिंग होगा? सादा स्टेयरिंग के साथ। कितने HP में? ये 42-45 HP का सिलेंडर। अच्छा, 42-45 HP में। और कितना चल गया होगा ये चला है। बाकी टायर्स वगैरह सब न्यू है। 900 घंटे चल गए। प्राइस क्या रखें इसका? इसका 450 रखें। 450,000। और इसके टायर्स के क्या साइज होंगे, सामने पीछे दोनों का? सामने का साइज है 6-16। और पीछे 13-6।
13628 में आता है पीछे का, सेम वही है 843 XM। इसका प्राइस क्या बोले? 450। इसके बाद ये कौन सी मॉडल है? ये 18 का है, 2018 मॉडल है। इसमें का टायर्स भी नए हैं और तक बम्पर भी अच्छा सही शॉट है। ये भी सेम वही चार सिलेंडर है ना, और रेट भी 450। तो मॉडल तो नीचे है, प्राइस कैसे सेम? इसके कंडीशन ज्यादा अच्छा है, टायर्स वगैरह, हाँ टायर्स सही है। बाकी और ट्रैक्टर से अभी आपके पास? और नहीं अभी, नहीं ट्रॉली वगैरह सेकंड हैंड में नहीं, और नांगर कैजुअल वगैरह है ना? नांगर कैजुअल है, नया में भी है, सेकंड हैंड। सेकंड हैंड में क्या प्राइस में होगा? आधा बनाते हैं इसको, जैसे नए का नांगर मतलब नांगर कैजुअल 30,000 लेते हैं। अच्छा, और सेकंड हैंड को 15,000। 15,000 सेकंड हैंड का, मतलब आधा से उधर आधा प्राइस में मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।